मॉर्निंग एंड वेलकम बैक एक न्यू अनदर ब्लॉग में। अभी हम हैं पटना के गुरुद्वारा के पास, इधर एक गुरुद्वारा और जस्ट बगल में है गुरु तेग बहादुर यात्री निवास है, यहाँ पे आप रह सकते हैं, रहने की बहुत अच्छा सुविधा है। तो अभी हम आपको अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं। तो जैसे ही आप श्री तेग बहादुर यात्री निवास में इन करते हैं तो आपको यहाँ पे पहले एंट्री कराना होगा। एंट्री के लिए आपको आधार कार्ड, सर से ही जान लेते हैं क्या क्या लगता है एंट्री के लिए, क्या क्या आधार कार्ड का फोटोकॉपी देना होगा और बहुत से बहुत 3 दिन रहने के लिए है। कितना रुपया लग जाता है? 50 रुपये बेड है जिसमें आपको लॉकर मिलेगा सामान रखने के लिए। और यहाँ पर क्या क्या सुविधा है? सुविधा है, जनरेटर है, लैट्रिन बाथरूम है, सब है। दिन के लिए खाना पीना सब है, फ्री है। उसमें आप जाके लंगर में बैठ के खा सकते हैं। सिर में रुमाल रख के बांध के जाना होता है। अच्छा, तो ऐसे कोई आता है यहाँ पे तो मतलब सिंगल आदमी आता है उसके लिए बेड है, जैसे परिवार लेके आएंगे उसके लिए रूम है। सर देख रहे थे कि गुरुद्वारा में एक और भी वहाँ पे रहने का निवास के लिए एक नहीं बहुत है। हाँ, अंदर में तो अंदर में जो है VIP लोग, VIP रूम है, NRI रूम है, उसका 2,000-1,500 किराया है एक दिन का 24 घंटे का। सर ऊपर भी है वहाँ पे रूम है, यहाँ पे 1,000 वाली है पर 700 रुपये वाली है। ऊपर रूम मिलता है? हाँ रूम है। और नीचे बेड? नीचे बेड है, सिंगल आदमी के लिए बेड है। हाँ बेड के पास है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि काम कर रहे हैं, हर दिन यहाँ पे साफ सफाई होता है। तो चलिए हम जानते हैं यहाँ पे कि साफ सफाई कैसा होता है। थोड़ा सा आप यहाँ के बारे में कुछ आपको बताना है कि यहाँ डेली सफाई होता है? डेली सफाई होता है। अच्छा, आपको चार्जर का भी सुविधा देंगे। देखिए ऊपर मेरे ऊपर चार्जर है, चार्जर लगाया और भी बेड पे चार्जर का सुविधा है। देखिए उस तरफ हम दिखाते हैं, है ना, वहाँ ये है चाबी, अभी हम खोलने जा रहे हैं। तो देख लिए आप, तो अब हम ये जमा कर देंगे चाबी और एक हमारे हमको एक पर्ची दिए थे रसीद, वो भी हम जमा कर देंगे। आपको दिखाते हैं रसीद और हम अब एग्ज़िट हो जाएंगे। तो आपको दिखा दिए टोटल यहाँ के बारे में, बता भी दिए। तो चलिए एक बार और भी अच्छा से देख लीजिए। तो अगर आप आना चाहते हैं तो पटना साहिब आपको जंक्शन उतरना होगा और वहाँ से 2 किलोमीटर की लगभग दूरी है। क्या सर, 2 किलोमीटर होगा? हाँ 1.5-2 किलोमीटर। हाँ तो आपको वहाँ से यहाँ आके, आप अगर कहीं भी नहीं मिल रहा है पटना में कहीं रहने का तो आप यहाँ पर रह सकते हैं। हम यहाँ पर रहें, बहुत चीज़ अच्छा लगा हमको, यहाँ का जो सुविधा है बहुत अच्छा लगा बाकी जगह से। तो सर से भी कुछ जान लेते हैं। सर यहाँ पे गुरुद्वारा में मतलब कब आ सकता है, सुबह कितना बजे से खुल जाता है? सुबह अंदर माथा टेकने के लिए 3 बजे दरवाज़ा खुल जाता है और फिर 9 बजे रात में बंद होता है। ऐसे तो 24 घंटा आप आ जा सकते हैं, माथा टेक सकते हैं, लेकिन महाराज का दर्शन 9 बजे समाप्ति हो जाती है, दरवाज़ा बंद हो जाता है अंदर का, जो अंदर सचखंड है, बाकी का खुला रहता है। आप 24 घंटा जब मर्जी माथा टेक सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। उधर सर काम कर रहे थे, बिजी थे तो सर से बात नहीं कर पाए। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं पटना साहिब। तो हम पहुंच गए यहाँ रेलवे स्टेशन पटना साहिब, यहीं पे टेम्पू छोड़ दिया और यहाँ से अभी हम स्टेशन जाएंगे इस तरफ, उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। चलिए स्टेशन।
बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों ये रेलवे स्टेशन देख के। एक इधर से भी जाते हैं, एक इधर से भी गेट है, एक उधर से भी है, तो हम अभी चलते हैं इधर से ही।